हिस्सा होता है बेटा। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैज व्हाट? नो, यस, सी दिस इज द, ये देखना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए वी नीड टू कार्बन, राइट। हमारे पास ये आ गया कार्बन, हमारे पास ये ऑक्सीजन आ गया, ये हमारा कार्बन का बॉन्ड इधर बढ़ता जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, एक वाला कहाँ है, ये वाइट वाला है, ओके सी, ये आपके पास आ गया। अब कैन यू ऑल सी द स्ट्रक्चर, लुक एट द स्ट्रक्चर। ये कार्बन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, और ये हमारा क्या है, द हाइड्रोजन। सो दिस इज माय ROH, दिस इज माय डियर फ्रेंड्स एन ROH एंड अल्कोहल। सो एवरीवन इज क्लियर विद द स्ट्रक्चर? वापस ये वाला पार्ट क्लियर है बेटा? ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये मेरा, ये पूरा आर हो गया, ये मेरा पूरा क्या हो गया, आर द एल्काइल ग्रुप। ये मेरा OH का ग्रुप है, ये OH का ग्रुप है। अब अगर मैं यहाँ पे OH के ग्रुप को लगा दूं, ऐसे लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, अल्कोहल बन गया ROH। कैन यू सी इट इज अ बेंट स्ट्रक्चर? कैन एनी वन टेल मी वाई इज इट अ बेंट स्ट्रक्चर? एग्जैक्टली, Ab2L2, इसमें दो लोन पेयर होता है, टू लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर। सो वट हैपन्स इज इट विल गिव अस अ बेंट स्ट्रक्चर। अब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों में से हु इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? इफ ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हु, ऑक्सीजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे खींच के ला रहा है? इट इज नोन एज द डाइपोल इंडक्टिव इफेक्ट। इट कॉजेज अ डाइपोल, इट फॉर्म्स अ डाइपोल, बट इट इज नोन एज एन इंडक्टिव इफेक्ट। सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स विल बी डेल्टा, हाँ, दे विल बी स्मॉल, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस। सो इज एवरीवन क्लियर विद दिस? अब अगर अल्कोहल के बजाय, अल्कोहल के बजाय इथर चाहिए, तो मेरे पास ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चला जाएगा अपने बॉक्स पे, उसके बदले में यहां पे एक और कार्बन आ जाएगा, एंड दिस कार्बन इज गोइंग टू हैव थ्री मोर बॉन्ड्स आउट हियर। ये मेरा यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे, सो इट कुड बी अ मिथाइल, इट कुड फॉर्म एन इथाइल, इट कुड फॉर्म अ प्रोपाइल, वट एवर यू वॉन्ट टू फॉर्म। ये देखो, हाइड्रोजन के बदले इधर से कार्बन के 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स, इधर से कार्बन के 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है, ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो दिस इज आवर ROR। अगेन आप देखोगे यहां पे आपका इसको रिपल्शन ज्यादा होगा, बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, ठीक है। नेगेटिव अभी भी यहां पे होगा, बिकॉज दिस इज स्टिल इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड दिस इज, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा,
डेल्टा नेगेटिव। आया ये समझ में? ओके, अब लेट्स मेक बेंजीन। हमें बेंजीन पे बनाना है, मान लो फिनॉल बनाना है या कुछ भी बनाना है, हमें मान लो मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है। जरा सा मैं इसको एक बार नीचे करूं, ठीक है? तो बेंजीन में आपको पता है कि क्या होता है, वी हैव अ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स विद द कार्बन, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक और कार्बन आ गया जो कि ऐसे आ गया, यहाँ पे यू कैन सी द डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा। एक डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है, और दूसरा डबल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट, ये तो दो वाला कार्बन आ गया काश। हाँ जी बेटा बताएं, एक पाई होता है, सिग्मा होता है। तो ये देखो ऐसे बनता है, ये एक हमारा बेंजीन के दो कार्बन हो गए। अब लेट्स गेट अनदर वन जिसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये रहा हमारा सिंगल बॉन्ड इधर से, उसके बाद से चार कार्बन वाला ये रहा, ठीक है? तो ये सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यस बेटा रेड वाला ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे वापस क्या बनेगा, यहाँ पे वापस अब सिंगल बॉन्ड बन गया, तो अब क्या बनना चाहिए फिर से, डबल। ओके, सो लेट्स मेक द डबल बॉन्ड अगेन, सो दैट आप लोगों को, यू नो व्हेन यू एक्चुअली डू इट लाइक दिस, व्हाट विल हैपन इज यू विल नेवर फॉरगेट इट। अब ये मेरे बेंजीन के पास कितने बॉन्ड बन गए, एक दो तीन कार्बन आ गए। नाउ लेट्स गो, अब कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल, ठीक है? अब ये सिंगल के पास ये फिर से आ गया, ये सिंगल, ठीक है? अब कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल, ये आ गया डबल, इधर से ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है? अब एग्जैक्टली डबल बॉन्ड्स आर इजीली ब्रोकन, याद है? इट रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, लास्ट ईयर हमने किया था कि उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो ये ऐसे आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक और कार्बन चाहिए। कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ, ये सिक्स हो गए। तो अब बेटा ये जहाँ पे एक खाली होगा ये बना दिया ऐसे। तो ये देखो बेटा, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना? देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है? और देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको मैं छोटा भी यूज कर सकता था, ठीक है? सो दैट आपको क्लियरली दिखता, यू कैन सी। अब अगर यहां से ये वाला मैं कार्बन को हटा दूं, और कार्बन को हटा के यहां पे ये डाल दूं, कहां गया कहां गया, ये रहा, ये ऐसे डाल दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। एग्जैक्टली बेटा, फिनॉल हो जाएगा। और C6H6 क्यों लिखते हैं देखना, ये हाइड्रोजन एक यहां पे आ गया, ठीक है? एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, तो बेंजीन का जो एक एक खाली होता है, अच्छा यहाँ तीन वाला लिया है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे तीन वाला आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ पे एक और आ गया, इधर पे एक और आ गया, ठीक है? सो सी एवरीवेयर, इस पे भी एक और आएगा, इस पे भी आएगा। सो यू कैन सी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके बदले में ओ एच आ गया, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव हाइड्रोजन, C6H5OH। तो गाइज, इज द स्ट्रक्चर वेरी क्लियर टू यू ऑल नाउ? यस सर। ओके, सो अगेन यहां पे ना, यहां पे क्या होता है, यहां पे इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट भी इसका दिखाऊंगा, इसी से रेजोनेंस इफेक्ट भी बन जाता है। आई जस्ट हैव टू चेंज द बॉन्ड फ्रॉम हियर, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। सो द पाई बॉन्ड्स कीप ऑन शिफ्टिंग, जिसके वजह से रेजोनेंस इफेक्ट होता है। और फिनॉल में
ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज के बदले में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के वजह से बेंजीन पे आ गया। रेजोनेंस के वजह से नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गया? सुनाई नहीं दिया? बेंजीन पे आ जाएगा, तो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होएगा? ओके, सो एवरीवन इज क्लियर? हाँ जी बेटा। बट व्हाई विल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टू बेंजीन? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद है दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहां से यहां बॉन्ड बना जाएगा। अगर यहां पे बॉन्ड बना गया तो देखना कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। यहां से एक और बॉन्ड आ गया बेटा, तो ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, सो दैट द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इज मेंटेन्ड। सो दैट व्हाट इज मेंटेन्ड ऑफ कार्बन? ठीक है, सो क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस इफेक्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, ठीक है, सो दैट दिमाग में बिल्कुल घुस जाए, क्योंकि पेपर पे बनाना एक काम होता है और ऐसे समझना एक काम होता है। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन को यहां से हटा के मैं यहां पे एल्काइल ग्रुप को लगा दूं बेटा, तो अब ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज इट, इज इट एन अल्कोहल और एन इथर? एग्जैक्टली, ठीक है, अब आ गया, क्लियर है? ओके, सो वी विल डू मोर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट क्लास एंड प्रिपरेशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल एवरीवन, बाय बाय। अभिषेक, अंजलि, आर्यन, आयशा, आयुष, आदित्य, चारू, करण, किंगशुक, निदार्शना, पारुल, प्रत्युष, रियान एंड तमन्ना एंड स्नेहा, बाय बाय गाइस, टेक केयर। हाँ जी बेटा।